देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स। नसीरुद्दीन शाह इज अ वेरी ग्रेट एक्टर, कैरिज्मेटिक एक्टर, बट वंस ही अटर्स अ सिंगल वर्ड इन पब्लिक और विद इंटरव्यूज टू मीडिया पर्सनालिटीज, ही इज नॉट कैरिज्मेटिक एनीमोर। नसीरुद्दीन शाह को शायद ही कोई ना जानता। बॉलीवुड फिल्मों में उनका एक बड़ा नाम है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, लेकिन जब जब नसीरुद्दीन शाह इंटरव्यूज में कुछ भी बोलते हैं, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रोवर्सी, ये विवादित हो जाता है। और ऐसे में आज एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह के एक बयान को लेकर, एक इंटरव्यू में दिए गए उनके परसेप्शन को लेकर बातचीत हो रही है। नसीरुद्दीन शाह ने एक बार कहा था कि भारत में अब गाय की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो गई है इन कंपैरिजन टू पीपल, मतलब लोगों की जो जान की कीमत है उससे ज्यादा जान की कीमत है गाय की, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने एक और बार कहा था कि जो भी मुस्लिम आउटफिट ये सोच रहे हो कि तालिबान ठीक है या उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो लोग गलत हैं। और उनके इस बात पर सभी ने उनका साथ। लेकिन आज नसीरुद्दीन शाह ने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। उन्होंने कहा है कि मुगल्स ने इस देश का कल्याण किया, मुगल्स ने इस देश को कला दी, संगीत दिया, बहुत कुछ दिया। मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुगल्स ने भारत में भारत के लोगों को बहुत कुछ दिया, भारत के लोगों का कल्याण किया, भारत के लोगों को उन्होंने कला दी, संस्कृति दी, चलना फिरना बोलना सब मुगल ने ही तो सिखाया है। तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी रब्ट हो गई। अब नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर हर तरफ चर्चा है, हर तरफ बातचीत हो रही है कि आखिर क्या नसीरुद्दीन शाह ने जो बात बोली इसको किसी भी लेवल पर ठीक ठहराया जा सकता है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे, एक वीडियो है जिसमें उन्होंने जो कुछ कहा है, पहले आप उसको सुन लीजिए। The atrocities of the so-called atrocities of the Mughals are being highlighted all the time. They forget that the Mughals were people who contributed to this country. The Mughals are people who've left lasting monuments, who've left lasting history, who've left culture, who've left the tradition of dance and music and painting and poetry and literature. The Mughals came here to make this their homeland. They were like, you could call them refugees if you like, the pretty well off refugees. तो मतलब आक्रमणकारी जो मुगल्स थे वो refugees थे, ऐसा कहना है नसीरुद्दीन शाह जी का। उन्होंने कहा साथ ही साथ कि मुगल्स ने इस देश को कला दी, संगीत दिया, रहन सहन चाल ढाल सब कुछ नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुगल्स ने इस देश को सिखाया। इस पर चर्चा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। अशोक कुमार साहब हैं, एक्टर हैं, और साथ ही साथ मानवी तनेजा जी हैं, आप एक्ट्रेस हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले अशोक कुमार जी, आप दोनों का एक एक वर्जन मैं जानना चाहूंगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अशोक कुमार जी, ये कहना आज के दौर में कि मुगल्स ने इस देश को कला दी, संगीत दिया, चाल ढाल रहना सहना सब कुछ मुगल्स ने सिखाया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नसीरुद्दीन शाह एक्टर हैं, उन्होंने दूसरे की लाइन बोलनी चाहिए, वो जब अपनी लाइन बोलते हैं तो उसमें कोई मतलब बचा नहीं है। और अब वो खुद को न्यूज में रहने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। अब जहां तक मुगलों की बात है तो मैं कहता हूं, अगर वो रेफ्यूजी हैं तो हम भी सिंधी हैं, हम तो रेफ्यूजी, असली रेफ्यूजी है, रिकॉर्डेड है, तो हम भी नसीरुद्दीन शाह के घर चले जाते हैं, हम उनके घर जाके रह के अपनी अपनी तालीम उनको बताते हैं, अपना कल्चर उनको बताते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह कब हमको बुलाना चाहते हैं हमको जरा आपके जरिए बता दें। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा अशोक जी अगर सीरियस लेवल पर समझते हैं तो उनका दरअसल कहने का ये मतलब है कि भारत में कला संगीत इस तरह की चीज़ें पहले थी ही नहीं, ये मुगल्स ने आकर भारतीयों को सिखाया है। जैसा कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि उन्होंने हमको सिखाया बोलना, उन्होंने हमको सिखाया, उन्होंने हमको तमाम चीज़ें दी, उन्होंने हमको मॉडर्नाइज किया,
तो वैसा ही क्रेडिट दरअसल नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि मुगल्स ने जो भारत के लोग थे उनको कुछ नहीं पता था, संगीत का कोई ज्ञान नहीं था, कला का कोई ज्ञान नहीं था, सब कुछ बाहर से आए मुगल्स ने हमको सिखाया। तो मुगल्स का दरअसल देश में महिमा मंडन होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी इंडियन जिसको इंडिया की हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री पता है, उसको पता है कि वो घुस के आए, लोगों को मारा, मथुरा के मंदिर, राम अयोध्या के मंदिर सब तोड़ के उन्होंने उसके ऊपर कोई कल्चर भी नहीं बनाया। आप तो कह ही नहीं सकते हो कि उन्होंने कल्चर बनाया, उन्होंने सिर्फ तोड़ फोड़ की। हिस्ट्री में कहते हैं कि जब मुगल मथुरा पहुंचे और तब तक द्वारकाधीश को वहां से ले गए थे, तो उनको सिर्फ बाहर की जो स्टैचू थी उनके भी उन्होंने हाथ नाक काट, तो उनको इतना भी नहीं पता था कि मंदिर के अंदर क्या होता है और मंदिर के बाहर। ठीक है, तो हम सब लोग इस बात को बिल्कुल विरोध करते हैं कि उनकी बात बिल्कुल गलत है। मानवी जी, पॉलिटिकल कमेंट्स बहुत होते हैं क्योंकि यूपी इलेक्शंस भी हैं इस समय, उत्तराखंड में भी इलेक्शंस हैं और बाकी अन्य 3 राज्यों में भी इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस के समय अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन इस तरीके की बातें करता है तो समझ में आती है कि ये पोलराइज करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में बीते काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि ऐसे कॉमेंट्स आ रहे हैं जो पॉलिटिकल कॉमेंट्स लगते हैं। ये नसीरुद्दीन शाह ने जो बोला है आज, ये एक पॉलिटिकल कॉमेंट्री लगती है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार मेरी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आप प्लीज करा सकते हो, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वो आप बोलिएगा, एक बार फिर बोलिएगा। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे सपोज बोलना वो कुछ और चाहते हैं पर वो बोल कुछ और इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए इस वक्त उनके पास कोई काम नहीं है। और अगर आप पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करते हैं, अगर आप कुछ भी पॉलिटिकल कमेंट करते हैं तो तभी वो मीडिया में आएगा। अगर आप पॉलिटिकली कोई भी एक टिप्पणी देते हैं और अपना एक लाटधारा रखते हैं तभी वो मीडिया में आएगा। और इस वक्त अगर नसीरुद्दीन शाह की अगर आप हिस्ट्री देखें, इस वक्त का जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, उनके पास इतना कोई काम है नहीं। पैंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद काफी जो एक्टर्स हैं वो डिप्रेशन में चले गए हैं क्योंकि काम ना मिलने के कारण। तो आप लाइमलाइट में आने के लिए, जस्ट टू हैव बी इन लाइमलाइट और आईकॉन को लेने के लिए कि लोगों की नजरों में रहे, तो कुछ ना कुछ ऐसे वो कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रोवर्सियल जरूर होते हैं। अब ये मुगलों की इन्होंने बात कर दी, तो मैं बोलना चाहती हूँ जो आजादी दिलाई है वो क्या मुगलों ने लाई है? इतना हर वक्त मुगलों को सपोर्ट करते हैं तो आजादी जो हमारे को मिली है वो किससे मिली है ये सभी जानते हैं। तो इनकी जो ये बेबुनियाद स्टेटमेंट है इनको लोग बिल्कुल भी सराहा नहीं देते और बिल्कुल भी इनका समर्थन नहीं करते, इतना विरोध करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा कर देते हैं। ये भारत ही ऐसे कंट्री है, इसे भारत ऐसा देश है जहाँ आप अलाउड हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ बोल देते हैं। अगर ये एक्चुअल में मुगलों की कंट्री में रहते, अगर ये एक्चुअल में कोई और कंट्री में रहते और वहां पे जाकर के ऐसी कोई बयानबाजी करते और जो लोगों के जो भावनाएं उनको कठिनाई देती तो वो वहां पर रह नहीं पाते। आप अगर कोई और कंट्री भी देखे ऐसे कोई बात करते तो खतरा लग जाता है। तो ये सिर्फ इंडिया ही है, उनको थैंक्स करना चाहिए कि इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया में रह रहे हैं क्योंकि इंडिया इतनी लिबरल है जहाँ पे ये ऐसी जो स्टेटमेंट है उसके बावजूद भी कोई आप पे एक्शन नहीं लिया जाता। नहीं तो इस वक्त अगर आप ऐसे जो यहाँ टिप्पणियां करें तो ये कटघेरे में होते इस वक्त। ठीक है, मानवी जी, पहले दरअसल ये देखा जाता था कि बॉलीवुड के जो लोग थे वो इन तरह के कमेंट से बचते हुए नजर आते थे, लेकिन बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि बीट कंगना रनौत या फिर नसीरुद्दीन शाह जी हुए या एक और एक्ट्रेस हैं स्वरा भास्कर वो हुई, तो ये अब जो कमेंट्री आने लगी है क्या ये बदल रहा है, क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री बदल रही है? क्योंकि आप भी शायद इन चीज़ों को समझते होंगे कि कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, यहाँ तमाम जगहों पर एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो मुंबई में है उसको बॉयकॉट किया जाए और ये बॉयकॉट वाला जो सिलसिला चल रहा है लगातार चल रहा है और लगातार मांग उठ रही कि नोएडा में एक बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उसको बनाया जाए, तो ये क्या एक चेंज आने वाला है, ये किस तरीके से चेंज आप इसको देखिए मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की वजह से, अगर थोड़े से लोग खराब है तो पूरी बॉलीवुड को हम बायकॉट नहीं कर सकते।
कोई भी आप इंडस्ट्री देख लीजिए, हर जगह आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं करप्शन जरूर होती है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो लोग उनका समर्थन नहीं करते और वो बियॉन्ड द लाइन चले जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बॉलीवुड बायकॉट नहीं करना चाहिए। मैं खुद एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से हूँ, कूड़ा कटरा है हर जगह। अगर आपको वो लोग ठीक नहीं लग रहे उसको निकाल कर भार दीजिए। लेकिन अगर आप ये बात करें और अगर आपने कंगना की बात करी, कंगना अगर आवाज़ उठाती है, अगर वो इंसाफ की आवाज़ उठाती है, अगर वो सत्य की बात करती है और सत्य की राह पर चलती है तो उसको भी गलत गुनाह छुड़ जाते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि बॉलीवुड सारा खराब है। हाँ, और इस बात से समर्थन करती हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री बन रही है ये योगी जी बहुत ही अच्छी चीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जो जो यंग यूथ है वो दूर दूर से जो बॉम्बे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बॉम्बे में रहना ही बहुत मुश्किल है, वहाँ का जो लिविंग इट इज टू एक्सपेंसिव, आम आदमी वहाँ पे जाकर के नहीं रह पाता। उसके लिए योगी जी ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिखला रहे हैं और वहाँ पे रहना बहुत आसान है। फिर भी अगर आप मुंबई से कंपेयर करें, क्योंकि वहाँ पे आस पास जो एरिया है वो बहुत ही रीजनेबल है और आप वहाँ पे जाकर के रह करके काम भी कर सकते हैं और न्यू टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि सिर्फ वही गिने चुने जो सितारे हैं वो रिपीट होते हैं या नए टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा, तो मेरे हिसाब से ठीक है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई में भी रहे और ये जो योगी जी लेके आ रहे हैं जो नया कॉन्सेप्ट है ये भी एक नए टैलेंट को बहुत ही प्रमोट करेगा। ठीक है अशोक जी, ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे पहले सामने नहीं आते थे, हमने पहले कभी नहीं देखा कि 2014 से पहले इस तरीके के पॉलिटिकल डिफरेंसेस या फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सामने आते हों। लेकिन 2014 के बाद बार बार नसीरुद्दीन शाह जी का ही जिक्र करूं तो बार बार उनका बयान आता है। उनको पता है कि इसमें कॉन्ट्रोवर्सी होती है, उनको पता है कि इसको लेकर बाहर विरोध प्रदर्शन हो सकता है, उनको पता है कि उनके नाम को लेकर चर्चा होगी, उनको पता है कि ट्विटर पर वो ट्रेंड करेंगे और बॉयकॉट नसीरुद्दीन शाह जैसे हैशटैग्स के साथ ट्रेंड करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अब वो एक्टर रहे ही नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। आज भी उनके गाने हर जगह बजते हैं, उनकी फिल्में हिट हुई फेल हुई लेकिन राज कपूर जी की इज्जत बनी रही, जितेंद्र जी की आज भी इज्जत बनी हुई है। इतना बड़ा बालाजी फिल्म चला रहे हैं, इतनी सीरियल्स करते हैं, वो कंट्रोवर्सी में नहीं आते हैं क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं और ये लोग जिनके पास अब काम नहीं बचा है तो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना कुछ बोलते रहते हैं और कोई ना कोई सोचते हैं राज्यसभा में घुसने की कोशिश करेंगे। पेंशन का टारगेट है इनका, उसके बाद ये हिंदू के रहेंगे मुसलमान के रहेंगे, उनको आपकी घरवाली कहाँ से पसंद किया आपने? मतलब काम नहीं बचा है तो पब्लिसिटी स्टंट है या फिर जैसा कि मानवी जी ने कहा कि डिप्रेशन की स्थिति भी हो जाती है तो ऐसी बयानबाजियां भी आने लगती हैं। बिल्कुल, एक राइटर वो होता है जिसका गाना सॉफ्ट लॉन्च पर गाया जाता है। प्री इंडिपेंडेंस के ब्रिटिश गैंग के गाने आज भी गाए जाते हैं, जहां से अच्छा हिंदुस्तान सारा। अब कहां नसीरुद्दीन शाह वो गाना गाएगा? तो नसीरुद्दीन शाह की तरह ऐसे अभी आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में और भी लोग हैं? जैसे जब ड्रग कार्टल का खुलासा हुआ था कि किस तरीके से ड्रग्स का कितना ज्यादा बॉलीवुड में अब संचार हो चुका है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसी आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं वो भी अभी काफी हैं? जी बिल्कुल, मानवी जा रहा हूँ। ड्रग्स नहीं है पूरे दुनिया में, पैसे वालों के पास ड्रग्स, बॉलीवुड में करोड़ों लोग इंडिया का आर्टिस्ट से लेके हेयर मेकअप ड्रेस सब बॉलीवुड है, कोई एक आदमी के ऊपर बॉलीवुड नहीं चलता है। और ये लोग जो आप देखते हो वगैरह वो अपने सबके पैसे खा के मजे करते हैं। बॉलीवुड इज नॉट अबाउट ड्रग। मानवी जी कुछ कहना चाहते हैं? कोई सेट पे आ जाए मुझे इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही, इन्होंने ड्रग्स के पर क्या कमेंट करा आप रिपीट करके बता देंगे? आवाज बहुत एको है। इन्होंने कहा है कि ड्रग्स इज नॉट अबाउट वन पर्सन इन बॉलीवुड, मतलब किसी एक पर्सन की बात नहीं है, जिनके पास पैसा है उनके पास ड्रग्स है। देखिए मैं इनकी कुछ स्टेटमेंट से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ड्रग्स कैसे बॉलीवुड में है और किसी इंडस्ट्री में नहीं है। कॉलेज की लाइफ देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी देख लीजिए आप, मेडिकल लाइन देख लीजिए आप, मीडिया देख लीजिए, ड्रग्स हर जगह अवेलेबल है। लेकिन बदनाम क्या होता है बॉलीवुड, अभी आर्यन खान के मतलब इतना ज्यादा ड्रग्स है बॉलीवुड में, लेकिन क्या मिला? जो
कोर्ट से उसको बाइज्जत बरी हो गया, उसको वहां से कोई भी चीज नहीं मिली और उसको क्लीन चिट मिल गई, ड्रग्स उसके पास था नहीं। अभी ट्रायल नहीं होता और आप पहले आ जाते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स हैं, तो इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो आप ड्रग्स को लेकर के आ जाते हैं बॉलीवुड में, बॉलीवुड में ड्रग्स हैं, मैं नहीं सहमत हूँ। ड्रग्स हर जगह है लेकिन बॉलीवुड हमेशा लाइन लाइट में आ जाता है और कुछ नहीं होता। तो बात यह है सुशांत सिंह मामले केस में आप देख लीजिए, 16 एलियस एक्टर को समन किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ड्रग्स नहीं मिले। एक बात ये भी कहना चाहती हूँ मैं कि हाँ जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एकदम से मीडिया में भी हो हल्ला होने लगता है, पैनिक होने लगता है। ये सिर्फ इसलिए है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखकर काफी लोग कन्विंस हो जाते हैं। आप लोग अगर साबित नहीं करें, आप देखिए अगर 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 मैं ड्रग्स है अगर आप साबित करना बहुत जरूरी है। ड्रग्स एक परसेप्शन बना लेना, एक अगर दिमाग में आपने कीड़ा घुसा रखा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना, आप साबित करके दिखा दीजिए। आर्यन खान के मामले में मैं बोला कि आर्यन खान के अगर पास ड्रग्स है, अगर आर्यन खान ड्रग्स पेडलर के साथ उसका कोई संबंध है उसके अलग डाल दिए, लेकिन उसका कुछ नहीं निकला, उसको बेमतलब ही बेचारे को एक महीना जेल में रहना पड़ गया। तो ड्रग्स का साबित होता नहीं है, एनसीबी साबित नहीं करती, तो उसकी वजह से आप किसी का नाम खराब ना करें। और नाम खराब करते तो डीए होते हैं, अगर डीए हो जाते हैं तो उनके बहुत सारे इंडोर्समेंट जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और आने वाली मूवीज भी नहीं मिलती, और उसकी वजह से शाहरुख खान को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। बहुत सारे जो इंडोर्समेंट थे जिसका ब्रांड एम्बेसडर था वहां पर माइनस हो गया। ऐसी 16 एलियस एक्टर्स जो सुशांत सिंह केस के मामले में था, तो 16 एलियस एक्टर्स को भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, वहां पे उनके बहुत सारे असाइनमेंट चले गए, जो मूवी जो उन्होंने साइन करी थी उन सारी मूवी को उतार दिया गया। तो मेरा के मतलब है कि अगर किसी पे एलिगेशन है, किसी पे शक है, किसी ने अच्छा काम करी है, उस काम में मतलब कोई भी कुछ भी डाउट नहीं है, एलिगेशन को काम करने दीजिए। अगर एलिगेशन को रिजल्ट लेकर के आते हैं फिर आप एक्शन लीजिए, लेकिन बिना एनी एक्शन के बेरी एक मीडिया वर्डिक्ट सुना देता है, उस वजह से हर चीज बदनामी हो जाती है। अब आ जाते हैं नसरुद्दीन जी के जो ये स्टेटमेंट पे, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये ना भड़काना चाह रहे हैं। वो हमारी कौम है जो दो तीन जो रिलीजन है उनको भड़काने के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जब तक आपके स्टेटमेंट कुछ पॉलिटिकली नहीं हो आप मीडिया में नहीं आएंगे। जैसे लगे हैशटैग बॉयकॉट या हैशटैग नसरुद्दीन के नाम से बहुत सारा चल रहा है, हैशटैग होगा तभी तो वो फिर से, क्योंकि इस वक्त तो लाइमलाइट में नहीं है, इस वक्त उनके पास कोई काम नहीं है। जब तक किसी को कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं डाल सकते तब तक उनके नाम का कोई हैशटैग नहीं होगा। आपको भी मालूम है कि आज की डेट में अगर आपको आइडल देना है, आज की डेट में अगर आपको लाइमलाइट में आना है, तो आपको ट्विटर पे ट्रेंड करना पड़ेगा। ट्विटर पे के लिए ये हैशटैग की वजह से ये कॉन्ट्रोवर्शियल बयान करते हैं। और आप इनकी ट्रेंडिंग देखिए कि जब जब दो महीने के बाद इनाम पर न्यूज चैनल्स में नहीं आता या मीडिया में लाइमलाइट नहीं होता या कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें जा रही है, तो यही बयान अभी देते हैं और इसकी आपत्तिजनक होती है। अगर इसको इतना डर लग रहा है इंडिया में रहते हुए तो वहां निकल जाए ना, ये ना रहे, किसी ने रोका इंडिया में रहने के लिए, इंडिया में मत रहिए, बाहर चले जाइए। आप इंडिया आपको डर भी रहना पड़ेगा। ठीक है मानवी जी, पॉलिटिशियंस हिंदू मुस्लिम करते हैं टू पोलराइज एंड टू गेट वोट्स, लेकिन क्या बॉलीवुड में भी हिंदू मुस्लिम होता है, क्षेत्रवाद होता है, ये सब बॉलीवुड में भी है, थोड़ा सा बताइएगा। नहीं बॉलीवुड में तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं होता, देखिए दोनों को बराबर मौका मिलता है। अगर देखें एक्टर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन है हिंदू और मुस्लिम के, दोनों ही एक्टर हमारे सामने जिनकी पिछले साल ही मृत्यु हुई है वो कितने अच्छे एक्टर थे, और कितने सारे तमाम एक्टर्स हैं जो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड से दो बंदों का नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेसेस को हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं। बॉलीवुड एक पूरा यूनिट है, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर और प्रोडक्शन, पूरी एक टीम होती है, पूरा टीम वर्क होता है, लेकिन लोगों का जो माइंड सेट है ना वो हीरो उससे आगे जाकर के लिए कैरेक्टर रोल दिया। पंकज त्रिपाठी ले लीजिए, उनका वो कितने ज्यादा इस वक्त चल रहे हैं, वो इतना पसंद कर रहे हैं लोग उनका काम। मनोज वाजपेयी ले लीजिए, तो मेरे साथ भी कोई नहीं है, है बॉलीवुड में जो बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा काम मिल रहा है, रीड रोल मिल रहा है और मुसलमान भी है। ये तो कुछ खराब लोग हैं, जैसे खुद जो ये जो हमारा धर्म है उसको विवादों में लाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट करते हैं, जबकि अब देखिए हम एक क्लोज है, फैमिली है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों को भी बराबरी से देखा जाता है बॉलीवुड में, महिलाओं और पुरुषों को भी बॉलीवुड में बराबरी से देखा जा रहा है जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए। देखिए खुद की बात कर रहे हैं, वो 15-20 लोग बॉलीवुड में 100 सीरियल रोज बॉम्बे में, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना है, कौन गाय है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, लोग सब साथ में काम पे जाते हैं, पूरा दिन साथ रहते हैं, महीनों साथ रहते हैं।
नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अशोक जी मैं आप पर आ रहा हूँ, लेकिन मानवी जी आप क्योंकि खुद महिला हैं, तो जो महिलाएं बाहर से आती हैं काम के लिए, जो महिलाएं आ रही हैं वहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो महिला और पुरुष में भी क्या अंतर देखा जाता है आज? देखिए मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं और पुरुष तो किया जा रहा है वो तो रोल पे डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्शन हाउस ने क्या स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है उसी हिसाब से आपको रोल मिलता है। और स्ट्रगल तो देखिए हर लाइन में है, मैं मानती हूँ बॉलीवुड में ज्यादा ही, लेकिन बहुत जो अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस है जो जो आपको काम देते हैं, जो कास्टिंग प्रोडक्शन है वो आपको ले दे रहे हैं, स्क्रिप्ट बना करके भेज सकते हैं, आप घर बैठ करके ऑडिशन बनाए और बना करके भेज दीजिए, और पसंद आता है वो डायरेक्ट आपको ऑफिस में बुला करके आपको एक बेशक री ऑडिशन ले लेते हैं और उधर आपको साइन करते हैं। नाउ थिंग्स हैव चेंज, पहले जमाना था एक है, पहले जमाना ये था कि आपको मुंबई में जाकर के रहना है, वही स्ट्रगल करना है और फिर आपको आजमाना है कि आप बॉलीवुड में आपकी एंट्री हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं, जो आप लिंक भेज देते हैं, आप उनको बनाएं ऑडिशन लिंक बना करके, स्क्रिप्ट को पढ़ के ऑडिशन लिंक बनाएं और वापस भेज दें, जब आप उनको भेजेंगे फिर आपकी सिलेक्शन होती है कि आप उसके अंदर डायरेक्ट आप पे होते नहीं हो सकते। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है आज की डेट में, महिला हो या पुरुष हो सब एक ही समान है। तो समय की थोड़ी सी कमी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बातचीत रखने के लिए एंड अपने व्यूज को शेयर करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी और मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपनी बातचीत रख रहे थे। तो क्या नसीरुद्दीन शाह ने जो बोला है वो उनकी किस मानसिकता को दिखाता है, और बार बार इन बयानों को भारत क्यों स्वीकार? कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।